हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच राई। राई को सरसों के दाने भी कहा जाता है। अब राई को हम अच्छी तरह से चटकने देंगे। आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से तड़कने लगी है। इसमें हम डाल देंगे 1/3 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सौंफ का। थोड़ी सी देर के लिए चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। थोड़ी सी देर मिर्ची को चलाते हुए पकाएंगे। अब मिर्ची भी अच्छे से पक गई है। इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है। इसे भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। यदि आप इस नाश्ते को स्पेशल बच्चों के लिए बनाएं तो आप यहाँ मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। ये नाश्ता बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब हम घर में एक जैसा नाश्ता खा के बोर हो जाते हैं तो हमें लगता है कुछ अलग नाश्ता बनाया जाए। तो जब आप एक जैसा नाश्ता खा के बोर हो जाएं और आपको ऐसा लगे कि कुछ अलग नाश्ता खाना है तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिए। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है। प्याज भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इस तरह से चलाते हुए इनको थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप हरी मटर, 1/3 कप कॉर्न। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है कॉर्न का। अच्छे से मिलाएंगे और इनको भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जब तक कि ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैंने इन्हें हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एकदम ज्यादा तीखा नहीं होता है और इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। यदि आप तीखी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चाट मसाला डालने से। 1/2 चम्मच नमक। नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ी सी देर के लिए हम मसालों को चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो मसाले के अंदर का कच्चापन है वो चला जाए। इस नाश्ते को आप बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं। अब मसाले भी हल्के से पक गए हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। अच्छे से पत्ता गोभी को हम मिला देंगे और गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पर ही हमें पत्ता गोभी को पकाना है। बस एक चीज का ध्यान रखें, इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है, पूरी तरह से नहीं पकाना है। जब ये आधा कच्चा रहता है तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो इस तरह से हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए पकाएंगे। यदि हम इसको पूरी तरह से पका लेंगे तो इसके अंदर जो क्रंचीनेस रहता है वो नहीं रहेगा और उसके कारण से टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप पत्ता गोभी को हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएं। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद किसी भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। बहुत से बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप कुछ इंटरेस्टिंग नाश्ता बनाते हैं उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो खाने में टेस्टी लगता है तो बच्चे बहुत ही फटाफट से खा जाते हैं। तो मैंने 1 से 2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए पका लिया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच नींबू का रस। बहुत ही बढ़िया और चटपटा टेस्ट आता है नींबू के रस का। नींबू के रस की जगह आप यहाँ पर अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ और अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अभी अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पालक ली है जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे पानी से 1-2 बार धो लिया था ताकि जो इसके अंदर मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए। उसके बाद मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है। तो मैंने कटी हुई पालक को मिक्सर जार के अंदर डाल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप पानी और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। बिल्कुल फाइन, हमें इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। तो मैंने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे पीसना है। अब हम एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। थोड़ी सी देर के लिए अजवाइन को हम भुनने देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पालक का पिसा हुआ पेस्ट जो हमने पेस्ट पीस के रखा था। जार में हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि जो लगा हुआ पेस्ट है वो भी निकल जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, अच्छे से मिला देंगे और इसमें हम एक उबाल आने देंगे। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल लो। अब मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से 1 कप सूजी ली है, इसे रवा भी कहा जाता है, और मैंने यहाँ पर ये सूजी बारीक वाली ली है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लीजिए और फिर उसका यूज कीजिए। अब हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सूजी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। एक साथ ढेर सारी सूजी ना डालें। यदि आप एक साथ ढेर सारी सूजी डाल देंगे तो इसमें बहुत सारे लम्स बन जाएंगे, फिर उसे खत्म करने के लिए आपको समय लग जाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी सूजी डालें और मिलाते जाएं। इस तरह से सूजी डालने से इसमें लम्स बहुत ही कम बनते हैं।
और इसे एक दो मिनट के लिए हम चलाते हुए पकाएंगे। तो मैंने इसे एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पर चलाते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है आपको, इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। और अब ये पैन में चिपकना भी बंद हो गया है, तो गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे और इस मिश्रण को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, लेकिन एकदम ज्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है, बस इतना ही ठंडा होने देना है कि हम इसे हाथों से छू सके। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, हम इसे हाथों से छू सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब हम कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से इसके अंदर मिलाएंगे और इसे बिल्कुल एक स्मूथ डो की तरह तैयार करेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पर चावल के आटे या मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे बिल्कुल मसल मसल कर स्मूथ करना है। तो मैंने इसे डो की तरह तैयार कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जितना बड़ा हमको ये नाश्ता बनाना है इस तरह से, और इसे हम अपने हाथों से चपटा करेंगे। आप इस नाश्ते को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम लंबा कर लेंगे और थोड़ा सा फैला देंगे। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो स्टफिंग हम इसके अंदर रखेंगे। और अब हम इसे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से स्टफिंग को अंदर प्रेस करते जाएंगे और क्लोज करते जाएंगे, और इधर से हम सील कर देंगे। ध्यान रहे स्टफिंग बाहर नहीं दिखना चाहिए। सील करने के बाद हम इसे बहुत ही बढ़िया सा एक शेप दे देंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा है, आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो। आप चाहे तो गोल बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं। मैं इस तरह से इसे थोड़ा सा लंबा बना रही हूँ, स्टिक की तरह। ये देखिए, इस तरह से हम सभी नाश्ते को बनाकर रेडी करेंगे। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। अब मैं आपको वापस से एक और नाश्ता बनाकर बताती हूँ। अब नाश्ते तो कई तरह के बनाए जाते हैं, लेकिन नाश्ता दिखने में भी अट्रैक्टिव हो और खाने में टेस्टी लगे तो सभी लोग खाना पसंद करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, इसकी जो आप लेयर बनाए तो इसे एकदम ज़्यादा पतला ना बनाए, नहीं तो जब आप स्टफिंग करके इसे फोल्ड करेंगे तो ये फट जाएगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, इसे सील अच्छी तरह से करें, स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह से हम सारा नाश्ता बनाकर रख लेंगे। तो मैंने सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर लिया है। अब मैंने एक पैन में थोड़ा तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब जो हमने ये नाश्ता बनाया है इसे हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। जितने नाश्ते एक बार में आ जाएंगे उतने हम पैन के अंदर रख देंगे। और अब हम इन्हें पलट पलट कर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेलो फ्राई करें। ध्यान रहे इसे एक साइड से पहले अच्छी तरह से सेलो फ्राई करें, उसके बाद ही पलटें। अब ये हल्के से एक साइड से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें हम पलटेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे पलटना है और इसी तरह से हमें इसे पलट पलट कर सेलो फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी सेलो फ्राई ना करें, नहीं तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे लगेंगे। तो इसी तरह से हमें इसे पलटना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इन्हें हम उठाकर प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सभी को शैलो फ्राई कर लिया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें भी उठाकर प्लेट में रख लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे। तो देखिए कितना टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसका नाम पालक पेटीज रखा है। मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। इसके अंदर स्टफिंग हमने भरी है, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और ये खाने में तो टेस्टी लगता ही है, बनाने में भी बहुत आसान है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।